हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्टाल्ट थेरेपी। आज का ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस टॉपिक में हम इसके कुछ की पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि गेस्टाल्ट थेरेपी को किसने डेवलप्ड किया, इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं, या गेस्टाल्ट थेरेपी कौन से डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, और इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी कोई न्यू अपडेट आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट इट। गेस्टाल्ट थेरेपी को जो डेवलप किया था या इसे इंट्रोड्यूस्ड करवाया था वो फ्रिट्स पर्ल और उसकी बीवी लॉरा पर्ल्स, इन दोनों ने 1940 में इसे इंट्रोड्यूस करवाया। बेसिकली ये दोनों ही साइकोथेरापिस्ट थे, मतलब ये जो है सिगमंड फ्राई से थोड़े से रिलेट थे, बट इन लोगों ये दोनों थे सिगमंड फ्राइड की उस कही हुई बात या उस फील्ड से इतने जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, तो इन्होंने एक न्यू थेरेपी जनरेट की जिसे गेस्टाल्ट थेरेपी कहते हैं। गेस्टाल्ट थेरेपी का जो की कॉन्सेप्ट है, इस थेरेपी का की कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारी सेल्फ अवेयरनेस को जो है हमारे कॉन्शियसनेस को सेल्फ अवेयरनेस, हमारी फ्रीडम और सेल्फ डायरेक्शन, इन चीज़ को फोकस करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो ये थेरेपी दूसरी थेरेपी से किस तरह से जो है डिफरेंट है, या इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है। तो मैं आपको बताता चलूं, बाकी जितनी भी हमने थेरेपीज़ पढ़ी हैं या जितनी भी हमने थेरेपीज़ अपनी बुक्स में या बहुत सारी वीडियोस में भी देखा है, उनमें सिर्फ पास्ट इवेंट को ही डिस्कस किया जाता है। इस थेरेपी की ख़ास बात एक ये है कि ये थेरेपी जस्ट हमारे प्रेजेंट इवेंट को डिस्कस करती है कि हमारी प्रेजेंट लाइफ में क्या हो रहा है। इसमें क्या होता है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो होता है क्लाइंट की अवेयरनेस को फोकस करने के लिए उससे कुछ क्वेश्चनिंग करता है। जैसे कि क्लाइंट हमारे पास आता है तो वो साइकोलॉजिस्ट या हम उससे क्या सवाल पूछते हैं, जैसे कि आज आप यहाँ पे या आपका आज यहाँ पे कैसा आने का प्लान बना, तो वो बताएगा मेरे साथ ये फीलिंग हुई है, ये इवेंट मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मुझे लगा कि मुझे आज जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी टेक्निक्स की, गेस्टाल्ट थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इसमें बेसिकली जो है 6 टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ होती है। एम्प्टी चेयर टेक्निक, एग्जेक्यूटेड एक्सरसाइज, पैराडॉक्सिकल चेंज, हेयर एंड नाउ सिचुएशन, या रोल प्ले। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी चेयर टेक्निक। अब इस टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, इस टेक्निक में क्लाइंट को ये कहा जाता है कि आपके सामने एक एम्प्टी चेयर पड़ी है। अब आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि आपकी जितनी भी फीलिंग्स हैं या आपकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स चल रही है, या अगर आपका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसको इमेजिन करें कि वो कॉन्फ्लिक्ट या वो पर्सन या आपकी सेल्फ का वो पार्ट इस चेयर पे बैठा हुआ है, और अब आपने उनके साथ कुछ डिस्कशन करनी है। तो आप उस चीज़ को इमेजिन करके जो उससे डिस्कशन करते हैं, अब इससे क्या होता है कि उसके जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं प्रेजेंट लाइफ में, वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स सॉल्व हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी अवेयरनेस, इमोशनल एक्सपीरियंस की अवेयरनेस बढ़ती है, और उसे ये पता चलता है कि इस इमोशनल सिचुएशन से कैसे हील हुआ जाए। उसके बाद दूसरा है एग्जेक्यूटेड एक्सरसाइज। ये टेक्निक बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द सेशन, जैसे ही सेशन हो रहा होता है तो थेरापिस्ट क्या करता है कि उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है कि वो अपनी बात करते हुए किस तरह की मूवमेंट कर रहा है, मतलब क्लाइंट किस तरह की मूवमेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो अपने हाथों को बात करते हुए हिला रहा है
तो थेरेपिस्ट क्या करता है, थेरेपिस्ट उसे कहता है कि आप मतलब अपने हाथों को ऐसे ज़ोर से हिलाइए, मतलब पीछे की तरफ ले जाइए, ये मतलब हैंड्स को फ्लोट करें, और फ्लोट करते हुए आप ये बताएं कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज या इस टेक्निक का कराने का मकसद ये होता है कि बाज़ औक़ात क्लाइंट जो है अपनी हिस्ट्री या अपनी फीलिंग्स बताते हुए हिचकिचाता है, या उसके पास कोई वर्ड्स नहीं रह जाते उस जो है सिचुएशन को बताने में। तो इस एक्सरसाइज या इस टेक्निक करवाने का यही मकसद होता है कि उसे उस साइड से थोड़ा सा हटाकर अवेयरनेस में लाया जाए कि वो अभी पीसफुल सिचुएशन में है। उसके बाद टेक्निक नंबर 3 है पैराडॉक्सिकल चेंज। इस टेक्निक का मकसद उसकी सेल्फ एक्सेप्टेंस है। ये जो हमारी टेक्निक है ये बेसिकली आप इस तरह से सोचें कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, और हम बाज़ औक़ात ऐसे ह्यूमन बीइंग्स हैं कि हम किसी ना किसी को देख के उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, और इस दौरान हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या हैं। मतलब वो कुछ ना कुछ बनने की कोशिश करते हैं, अपने पास्ट किए हुए एक्सपीरियंस को देख के वो कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो इस टेक्निक का मकसद उनकी सेल्फ एक्सेप्टेंस से है। उन्हें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास्ट में जो हो चुका है बस हो चुका है, अब आप खुद पे फोकस करें। इससे क्या होता है कि उसमें जितने भी मेरिट्स डीमेरिट्स यानी अच्छाई है या बुराई है, वो खुद को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं यही हूँ, ये बुराई भी मेरी है, ये अच्छाई भी मेरी है। इससे क्या होता है, वो इस चीज़ से अवेयर हो जाता है कि मैं ये चीज़ हूँ। तो इससे उसके माइंड में एक पीसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस सिचुएशन का फिर नतीजा ये होता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट्स या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो वे फिर वो घबराता नहीं, वो परेशान नहीं होता, वो पीसफुल रहता है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि मैं यही चीज़ हूँ। उसके बाद नंबर 4 है हेयर एंड नाउ। हेयर एंड नाउ जैसा कि सिचुएशन से ही या इसके नेम से ही जाहिर है कि ये क्लाइंट्स को इस काबिल बनाता है कि वो अपने पास्ट को अप्रिशिएट करे, अपने पास्ट को इस तरह से अप्रिशिएट करे, क्योंकि उसके पास्ट में जो भी इवेंट हो चुके होते हैं वो इवेंट उसके प्रेजेंट में कहीं ना कहीं दखल दे रहे होते हैं, उसके प्रेजेंट थॉट्स पे, उसके प्रेजेंट बिहेवियर पे इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें वो क्लाइंट ये चीज़ सीखता है कि लेट गो ऑफ द पास्ट, जो हो चुका है उसको जाने दो। इससे क्या होता है कि वो पीछे वाली सारी चीज़ों को भूल जाता है और वो जो है अपने उसी प्रेजेंट पे, हेयर एंड नाउ सिचुएशन पे फोकस करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है नंबर 5 रोल प्ले एक्सरसाइज। अब देखें हमारे पर्सनैलिटी के डिफरेंट पार्ट्स है, और तकरीबन हमें पता होते हैं, बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता, तो ये टेक्निक उन हमारे पार्ट्स को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करती है। इस टेक्निक के 2 पार्ट्स हैं, टॉप डॉग साइड और अंडर डॉग साइड। अब टॉप डॉग साइड क्या है कि हमारी जितनी भी डिमांडिंग पर्सनैलिटी है कि हम चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं, मुझे ये चाहिए या मैंने ये चीज़ बनना है, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी, मुझे ऐसी चीज़ क्यों मिली है, ये हमारे डिमांडिंग साइड है। उसके बाद है अंडर डॉग साइड कहते हैं सबमिसिव एंड ओबीडियंट साइड, कि जिसमें हम एक बहुत ही मासूम से कहना मानने वाले, हर चीज़ को साथ लेके, अच्छे से साथ लेके चलने वाले होते हैं। तो ये है रोल प्ले। इस टेक्निक का फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने डिमांडिंग और हमें ओबीडियंट साइड का, ओबीडियंट पर्सनैलिटी का पता होता है। इससे हम जब भी किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन करते हैं या बात करते हैं या किसी के साथ कोई पार्टी या ऑफिस मीटिंग उसमें होते हैं, तो हमें पता है कि हमारी डिमांडिंग साइड क्या है और हमारी ओबीडियंट साइड क्या है, जो कि हमारी सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल एक्सपीरियंस को बेटर करते हैं। अब आते हैं जी, ये गेस्टाल्ट थेरेपी जो है किस किस जगह यूज़ होती है। बेसिकली
जब हमें एंजाइटी होती है ये उससे भी मतलब पीछा छुड़ाने के लिए यूज़ की जा सकती है, डिप्रेशन में भी यूज़ की जा सकती है, लो सेल्फ इस्टीम है तो इसमें भी ये बेटर जो है हमें फ़ायदा देती है। और रिलेशनलशिप, जितने भी रिलेशनलशिप प्रॉब्लम्स हैं उनमें गेस्टाल्ट थेरेपी वन ऑफ द टॉप एंड मोस्ट सूटेबल थेरेपी यूज़ की जाती है। उसके बाद जी इसके कुछ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। अब बेनिफिट्स में आते हैं कि गेस्टाल्ट थेरेपी की बेनिफिट्स क्या हैं, इससे करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। देखें, इससे क्या होता है कि हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, हमें सेल्फ पे हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल हासिल हो जाता है, हमें हमारी इतनी एबिलिटी मोनिटर हो जाती है कि हम खुद को बेटर तौर पर मोनिटर मतलब खुद को बेटर तौर पर देख सकते हैं और अपनी मेंटल स्टेट को उस हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। ये हमारे, उसके बाद नंबर 3 कि हमारी जितनी भी नीड्स हैं उससे हमें अवेयर करती है कि हमारी ये नीड्स हैं और हमारी ये नीड्स नहीं हैं। नंबर 4 हमारे जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको बर्दाश्त करने की हमें एक स्किल दे देती है। उसके बाद नंबर 5 हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती है। नंबर 6 हमें माइंडफुलनेस बनाती है कि हम जो हैं यही हम हैं। उसके बाद नंबर 7 कि हमें इमोशनली तौर पर अंडरस्टैंड कराने के लिए ये टेक्निक बहुत ही बेनिफिशियल है। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।